बहुत सारे पहलू अभी हाँ, तक सामने नहीं आए हैं वो कौन कौन सामने आया सामने नहीं आए क्योंकि मुझे अभी तक मेरी मांगी गई इन्फॉर्मेशन स्पिरिट नहीं मिली है इस गवर्नमेंट से भी उसमें सबसे बड़ा पहलू यह है कि जो मेरा क्वेश्चन नंबर टू था कि इमरान खान ने जितने तहफ से रिटेन किए हैं आम जबान में खरीदे का आ जाता है लेकिन कानूनी जबान में रिटेन है रिटेंशन है उनकी डिटेल स्पेसिफिकेशन नहीं आए आपके पास कापी है इस रेफरेंस की पूरी इसमें सारे तोहफों की ये लिस्ट है आपके पास तफसील नहीं है ये लिस्ट है इसमें तोहफे का नाम लिखा हुआ है आगे कीमत लिखी हुई है आगे पेमेंट लिखी हुई है उससे आगे डेट लिखी हुई है हाँ। इससे के अलावा कुछ नहीं है हाँ। अब मतलब एक गिफ्ट है एक लिखा हुआ है एक रेस्ट वॉच वन रेस्ट वॉच आगे कंपनी का नाम ग्राइफ लिखा हुआ है रोलेक्स लिखा हुआ है क्या स्पेसिफिकेशन है इसकी ये कौन से मॉडल की घड़ी है मैंने मांगी थी डिटेल स्पेसिफिकेशन इन केस ऑफ व्हीकल इंजन नंबर ट्रेसेस नंबर मांगा था इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने ईएमआई नंबर तक मांगा था वो जब मिलेगा तो उस कंपनी की वेबसाइट के ऊपर प्राइसेस मसलन इसमें ये एक है ना वन वॉच रूलेक्स जेंट्स वन वॉच रूलेक्स लेडीज वन आईफोन टू जेंट्स सूट्स आईफोन कौन सा है आई 12 है I 11 है I 10 है मतलब उसके हिसाब से प्राइस होती है और इसकी जो टोटल इन्होंने प्राइस निकाली है तो वो 17 लाख तेईस हज़ार है जी और इन्होंने जो है वो रिटेन किया है तीन लाख अठतीस हज़ार रुपये जी तो मतलब हाँ, 20 परसेंट है हाँ 20 परसेंट हाँ। इसमें एक और घड़ी है जिसमें तो लिखा हुआ है वन रेस्ट वॉच ब्रैकेट में ग्रेफ लिखा हुआ है जी आर ए हाँ। डबल ए हाँ वो ग्रेफ मल्टीनेशनल कंपनी है रोलेक्स से भी बड़ी कंपनी है ये डायमंड वॉच बनाती है जो दुबई में घड़ी बिकी थी वो ग्रेफ की थी रोलेक्स की नहीं थी हाँ। वो मोहम्मद बिन सलमान क्राउन फिर सऊदी अरब ने स्पेशली बनवाई थी जिसके ऊपर पाकिस्तान को प्राइस भी पे करनी पड़ी है कि हमारा जो सिक्स बिलियन डॉलर का पैकेज था सऊदी अरब से वो मुतल हो गया वो इसकी वजह से मुतल हुआ था उस घड़ी की वजह से और आज तक ये हुकूमत बहाल नहीं करवा पाई उनकी इतनी नाराजगी हो गई तोहफा बेचने पर